बिग बॉस 13 खत्म होने में सिर्फ 10 दिन ही बाकी हैं और ये बाकी दिन एक दूसरे पर जानलेवा हमला करने पर निकाले जा रहे हैं। जी हाँ, जाते जाते बिग बॉस के एक कंटेस्टेंट ने ऐसा हमला कर दिया कि शहनाज गिल की जान पर भारी पड़ गया। शहनाज की हालत इतनी खराब हो गई कि उन्हें अगर तुरंत मेडिकल ना दिया जाए तो शायद उनके साथ बड़ा हादसा हो जाए। शहनाज के साथ हुए इस हादसे का कारण पारस बने, जिन्होंने अपना गुस्सा शहनाज पर निकाला। हुआ ये कि एक बॉक्स वाला टास्क दिया गया, 3 अलग अलग बॉक्स थे जिसमे पारस, माहिरा और शहनाज को ऐसे लेटना था कि उनका चेहरा ही बाहर दिखे और बाकी की पूरी बॉडी अंदर रहे। उसके बाद बाकी के लोग उनके फेस पर कई तरह की चीजें जैसे मसाले, तेल, पाउडर डालते हैं और इस टॉर्चर को जिसने सह लिया वो तो सेफ, जो नहीं सह पाया वो बाहर। संचालक बनी रश्मि ने पहले ही बता दिया था कि किसी को भी अपने हाथ तक बाहर नहीं निकालना है और यहाँ पर सना ने फ्लिप मार दिया। शहनाज ने रश्मि को बोला कि माहिरा का हाथ बाहर आ गया है, इसलिए उसे आउट करो। फिर क्या, रश्मि ने शहनाज की बात मानी और माहिरा को आउट कर दिया। अब ये सब पारस को इतना बुरा लगा कि उन्होंने वो बॉक्स ही तोड़ दिया और बाहर निकल कर आ गए। शहनाज की माहिरा और पारस से खूब बहस हुई। फिर पारस तो गुस्से में मसाले, पाउडर और तेल उठाकर शहनाज के मुंह पर डाल देते हैं, लेकिन शहनाज बॉक्स से बाहर नहीं आती है। पारस गुस्से में कुछ चीजें ऐसी भी डाल देते हैं जो शहनाज की आंखों में चली जाती है, जिसके बाद शहनाज बुरी तरह से चीखने और खांसने लगती है। हालांकि रश्मि उन्हें मना करती है कि अपने बल का इस्तेमाल ना करें। पारस और माहिरा की इतनी बड़ी गलती के बाद तो उन्हें आउट करना बनता है। तो आपको क्या लगता है, उन्हें एक साथ घर से निकाला जाए या फिर या सिर्फ पारस को ही बेघर किया जाए, क्योंकि पारस की वजह से एक गेम भी रद्द हुआ, तो उन्हें सजा तो मिलनी चाहिए। मिलम न्यूज रिपोर्ट।